नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत भारत सरकार में दो विभाग अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था में जुड़ी हुई है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, ये दोनों अप्रेंटिसशिप को डिफरेंट लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं। हायर एजुकेशन वर्टिकल में चार रीजनल ऑफिस के माध्यम से ये कार्यक्रम को नीचे तक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये पोर्टल में दुनिया जब डाटा की ओर बढ़ रहा है, बिग डाटा एनालिटिक्स की ओर बढ़ रहा है, मैच मेकिंग इज द चैलेंज। इट्स ए नाइस कोइंसिडेंट में भी दमयंती स्टडी इन इंस्टीट्यूशन हुआ टूडे आई एम रिप्रेजेंटिंग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन संबलपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संबलपुर एंड ही सीज फ्रॉम ए ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। आवर न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट। इट टूक अस फॉर लॉन्गर पीरियड टू बी एम्पावर्ड बट नेक्स्ट दिल्ली में हमें समय लगा इस मंच पे आप जैसे महानुभावों के सामने बात करने के लिए। नेट्स ने दमयंती को आपके सामने बोलने का मौका दे दिया और मैं उसकी सारे और भोरा भी दीपन भोरा भी आसाम से आए और मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। उसकी पर्सनैलिटी में देख रहा था शायद लगभग 6 फुट की ऊंचाई होगा उसका। कहा गया दीपन व्हाट इज योर हाइट? अरे बाप रे, बैठो दीपन। दीपन जिस कॉन्फिडेंस के साथ ओहोमिया में बोला, आपको भी लगा हुआ किस भाषा में बोल रहा है। ये नया भारत है, हमें उनको मौका देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बार तो बजट में सरकार ने एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़े, हम उसको कुछ भी नाम दे लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक प्राइमरी थ्रस्ट है डिग्री एंड सर्टिफिकेट। स्कूल एजुकेशन में सर्टिफिकेट और हायर एजुकेशन में डिग्री। पर ये डिग्री तो मैं कभी कभी अखबार में पढ़ता हूं, एक एक कभी कभी मैं मेरा इच्छा है जगदीश कुमार जी और यहां देश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब भी बैठे हैं, ने मैं आपको प्रशंसा करूंगा। मेरे को एक बार थोड़ा आप समझाइए कि ये डॉक्टरेट डिग्री की सीमा में क्या होगी। मैं अखबार में पढ़ता हूं कभी कभी एक व्यक्ति सो एंड सो इज ऑनर विथ 52nd पीएच डॉक्टरेट। आई सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड किसकी अर्थ क्या होगा, वो क्या 52 विषय में दक्षता ले लिया है। तो उस यूनिवर्सिटी ने, एक यूनिवर्सिटी ने, ड्यू ने से किसी को दिया नहीं, इसलिए मैं आपको प्रशंसा कर रहा हूं। पर आपका तो देने का एक प्रोसेस होगा, आपकी एकेडमी काउंसिल होगी, आपकी पूरा व्यवस्था होगा। आप भी किसी को ऑनरारी पीएचडी देते हो तो शायद मिनिस्ट्री तक भी अनुमति लेने के लिए आते हैं, इसलिए मैं आपको उसमें से नहीं गिनता हूं। लेकिन लोग तो 52nd ऑनरारी पीएचडी भी हासिल करते हैं, इसलिए हमारे देश में डिग्री की एक अपने आप में माहौल है। और फिर लोग लिखते हैं ना सो एंड सो बीए इंग्लिश ऑनर्स, कॉपर प्लेट में नाम रहता है, डबल एमए, एलएलबी, पीएचडी फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। डिग्री के एक महत्व है, समय बदल रहा है,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, डिग्री जितनी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटेंसी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे अगर मेरे को, मैं एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट हूं, कभी कभी जब मैं एनईपी को पलटता हूं, बार बार मेरे मन में जो एक चीज एनईपी के प्रति आकर्षित करता है वो ये है, नाउ हेंसफोर्थ लुकिंग इनटू द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द ग्लोबल रिक्वायरमेंट, हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ानी है। नैट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है और इस साल इसको 8 लाख तक बढ़ाया गया है, पहुंचाया गया है और आने वाले दिनों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है एनएसपी की प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इस सभी लाभार्थियों को, स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से साढ़े उच्च शिक्षा में 4,500 रुपया पर मंथ 6 महीने से लेके 1.5 साल तक उसकी जो स्किल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। मेरा विश्वास है आप तो उसकी काउंटर अमाउंट देते होंगे 4,500 पक्का, लेकिन उसे ज्यादा देते होंगे ऐसा मेरा भरोसा है, नहीं तो देना शुरू करिए। अनुरोध है, आपने तो कहा है कि 50-50 आप दे ही रहे, मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें मैं अभी हमारे मित्र गोविंद जी को पूछ रहा था कि इसमें किस प्रकार के स्टूडेंट आते हैं, अभी तक ज्यादातर थोड़ा स्किल इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप ये सब थोड़ा टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ जुड़ती है, लेकिन मित्रों बदल रहा है, बच्चे नया स्टार्टअप कंपनी बना रहे हैं कंटेंट डेवलपमेंट की। कंटेंट डेवलपमेंट में उस दिन सार्थकता तब आएगी जब सेंट स्टीफन की, ड्यू की या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की एक यंग स्टूडेंट 6 महीने की अप्रेंटिसशिप अपने 4th सेमिस्टर के साथ साथ वो एक रेपुटेड अकाउंटिंग फर्म पे या कोई नया कंटेंट डेवलपमेंट की या कोई बड़े मीडिया हाउस की देश में कंटेंट डेवलपमेंट के काम की एक इंटर्न अप्रेंटिसशिप 6 महीने की करे, दोनों को फायदा होगा, उस कंपनी को फ्रेश आइडिया मिलेगा। और आप मान के चलो यहां बैठे हुए जो नए बच्चे आ जाए उनको थोड़ा अलग कर दो, बाकी सभी की सोचने की सीमा आ चुकी है, नया आइडिया नहीं है, तो बच्चों में नया आइडिया है। ये तो हम भी जब बच्चे थे तभी हमारे पास नया आइडिया था, इसी में अभी तक हम चले गए। नया आइडिया को लाने के लिए इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा उपक्रम है, आज उसको डीबीटी में जोड़ के हमने और एक कदम ट्रांसफर नीचे की ओर बढ़े हैं। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।